ये वाली चुन्नी है, इससे बिल्कुल मैच हो रही है क्योंकि इसको फिर बैकलेस में कन्वर्ट करवा दिया और टेलर वाले भैया को बता बता। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं हूँ थोड़ी बहुत रेडी क्योंकि मैं जा रही हूँ कुछ काम से और आज है पितृपक्ष का लास्ट डे। तो आप सभी को पितृपक्ष की ढेरों शुभकामनाएं। हमारे बड़े बुजुर्ग हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और अभी मैं रेडिकल में मार्केट जाने वाली थी बट बारिश जो है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो मैं फ़िलहाल जा रही हूँ क्योंकि हमने जो लंबे टूर का जो मार्केट था उसका पोस्टपोन कर दिया है। आज अब मैं किसी और मार्केट जा रही हूँ जो कि घर के नियर बाई पड़ता है वहाँ पे, और वहाँ से जो सामान लेना है मैं लेकर के आऊँगी क्योंकि सगाई में कुछ ही दिन रह गए हैं और मैं नहीं चाहती कि भाई सगाई के एक दो दिन पहले तक मैं भागा दौड़ी करती रहूँ। तो खुशकेश जूते वगैरह हैं और एक दो सामान और है तो वही लेने जा रहे हैं हम लोग और बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं क्योंकि। और मैंने जो ब्लाउज़ परचेज़ किया था, सॉरी ब्लाउज कह रही हूँ, जो लहंगा परचेज किया था, मैं उसका ब्लाउज आपको दिखाती हूँ क्या है कैसा है, तो वेट कीजिए सेकंड। क्रॉप टॉप की बात कर रही थी, वो है क्रॉप टॉप मेरा ये, तो ये क्रॉप टॉप का ब्लाउज है। और बेसिकली ये ब्लाउज ना ऐसे नहीं आया था, वो ब्लाउज था ना बैक साइड का जो पोर्शन है आपको बहुत सुंदर दिख रहा होगा, ये बनवाया गया है, ये बनवाया है मैंने और ये जो सब कुछ लगवाया है मैंने क्योंकि ये जो ब्लाउज आता है बिल्कुल समझ लो कि यहाँ से था, ये था ये। और मैं ऐसे ब्लाउज पहनती नहीं हूँ, मैं बैकलेस ब्लाउज ही पहनती हूँ, तो मैंने इसको फिर बैकलेस में कन्वर्ट करवा दिया और टेलर वाले भैया को बता बता करके। और यहाँ पे इसमें पैडेड ब्लाउज है तो ये तो पैडेड तो पहले से आया था, तो ये रहा टॉप का ब्लाउज। लहंगा रखा हुआ बेड में क्योंकि ब्लाउज अभी जस्ट आया इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। और जैसा कि मैंने कहा कि चुन्नी डिज़ाइन करवाई है, चुन्नी नहीं आई थी उसके साथ, तो चुन्नी है ये वाली चुन्नी है, बिल्कुल मैच हो रही है क्योंकि ज़्यादा हैवी चुन्नी ना इस पर नहीं चलेगी क्योंकि ऑलरेडी जो क्रॉप टॉप है वो ही उसमें बहुत वर्क हो रहा है तो इस पर टाइट चुन्नी ही चलेगी, इसलिए मैंने नेट की चुन्नी डिज़ाइन करवा ली क्योंकि कई बार क्रॉप टॉप पे ना आती हैं चुन्नी नेट की ही आती हैं आपने देखा होगा, बट इस पर अवेलेबल नहीं थी। और मैं इसका प्राइस नहीं बताऊंगी क्योंकि जो प्राइस है ना भाई साहब, प्राइस इतना मुझे अफोर्डेबल मिल गया ना जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ये समझ लो है ना। जैसे पीछे पीछे मुस्कुरा रहे हो ना कैमरे के, ये तो बड़े पैसे बच गए मेरे बहुत सारे, मतलब जितने पैसे में रखे गए थे ना तो उससे कहीं ट्रिपल सस्ता आ गया है। तो चुन्नी नहीं थी तो मैंने कहा चल यार प्राइस जिस हिसाब से दे रहा ना उस हिसाब से चुन्नी नहीं है तो कॉम्प्रोमाइज चलता है, और जब मैं डिज़ाइन कर ही लेती हूँ तो क्या ही हुआ है, तो मैं मैक्सिमम चीज़ें तो मैं अपनी डिज़ाइन कर लेती हूँ खुद ही, तो मैंने चुन्नी पर डिज़ाइन करा। इतने फाक से देखो लेस भी वैसी मिल गई जो इस पर, देखो ये जिस पे है ना ये इसी से मिलती जुलती लेस भी मिल गई जो कि दौड़ तो नहीं थी बस चल रही है। क्या देना मम्मी को? बोलना किसी को दे दो। ये सब खराब है क्या? हाँ ये सब खराब है, सब खराब है। तो अभी रख दो ना, जब नीचे जाऊंगा जब दे दूंगा ना मम्मी को, किसी को यूज कर लेगा ना ये। पहले पता नहीं क्या सोच रही थी, मतलब तो किसी ना मतलब जो होता नहीं है वो गरीब वाली जो देते हैं उनको दे दो। ठीक है, सारे ये सब कैसरोल नए हैं, ये चीनी मिट्टी वाली प्लेट आती हैं, प्लेट्स वगैरह नहीं होते हैं, और ये वो है क्या कहते हैं कटोरे में सारे तो ये सारा सामान ना एक्स्ट्रा हुआ था तो अभी कल सुधा ने करी थी सारी सफाई, तो ये सारा सामान एक्स्ट्रा निकला है तो देख लो तुम्हें कैसे करना है। मम्मी को देना पड़ेगा, मम्मी जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि इस सरात का टाइम चल रहा है तो भाई सभी घर में सरात में आ जाते, तो आज अपने भी घर में बना था सरात का सारा सामान। ये खीर है एंड ये कचौड़ी बन रही है, आई थिंक बन चुकी हैं, और इसमें है आलू की सब्जी। तो बस अभी तो हमने डिसाइड किया है कि फाइनली हम बाइक से जा रहे हैं क्योंकि जिस मार्केट में जा रहे हैं वो बहुत कंजस्टेड है और वहाँ पर ना गाड़ी वाड़ी खड़ी करने के लिए जगह की बहुत दिक्कत है। आई हूँ हेलमेट मैं पहनूंगी जस्ट अभी। जाके मिली है तो बाइक पार करने की ना, मतलब गाड़ी ना लाने का डिसीजन सही था। भीड़ कितनी है आज?
मैं कम से कम कब आई हूँ, 1.5 साल बाद आई इस मार्केट में। 1.5 साल पहले आया था नेहार में आए थे, हमारी एक गंदी सी लड़ाई हो गई थी। पता है तुमने बताया था दुकान वाले से लड़ाई होगी थी। चलो मैं चलता हूँ। और आज भीड़ देखो मार्केट में, भीड़ कितनी है। एक तो संडे, ऊपर से नवरात्रे आ रहे हैं। तो भीड़ का तो क्या ही बोले। तो ऐसी हालत हो जाती है जब ये आती है मार्केट से लौट के ना, शॉपिंग करके। तो जाती है तो बिल्कुल पूरे एकदम पूरे जोश के साथ है, लेकिन आती बड़ी उसके साथ है। देखो मतलब आधे रास्ते से इसने माथे को सर लगा रखा है, मतलब कि कह रही मेरे सर में दर्द। अरे मेरा मतलब कि माथे पे हाथ लगा रखा है। बट लेकिन जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए सिर्फ और शॉपिंग के लिए बहुत एक्साइटेड रहती है, लेकिन आने के बाद जो उसकी हालत है ना, वो ये देख। हम जो लोग हैं ना, हम लोग हैं चाय लवर्स, जब तक शाम को चाय नहीं मिलती है ना, तो मतलब सर ऐसा लगता है फटने को तैयार हो जाता है। तो मेरा भी हो रहा था, लेकिन अभी ठीक है, लेकिन इसका ज़्यादा हो रहा है। तो अभी बढ़िया से चाय बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे चाय पीने के बाद। थोड़ा सा मैं ही बना दूंगा भाई अब। हाँ मुच्छी, माता रानी की जय। तो ये है मेरी माता रानी की चौकी, दीदी के पास लगी हुई है। अब हम यहाँ पूजा करेंगे। सारा श्रृंगार का सामान, ये जौ बो दिए गए हैं। देखो सही है, इतनी बड़ी चुन्नी के बाद में फिर मुझे भी भेजो कि दूसरी चुन्नी लेके आओ, क्योंकि इससे पहले चुन्नी जो था ना, मैं छोटी ले आया था, तो बदल के दूसरी लाया हूँ बड़ी। और मंदिर तो पूरा चकाचक हो गया है, सुबह से सुधाने एकदम मंदिर में लगी हुई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि का पहला दिन। माता रानी आप सभी के घरों में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी है, आप सभी को स्वस्थ और सुख समृद्धि दें। मैं आज फास्टिंग नहीं हूँ, फास्टिंग मेरा होगा मंथ के जो नवरात्रि के लास्ट होते हैं ना, उसमें 2 फास्टिंग होगी मेरी, क्योंकि कुछ रीजन की वजह से मैंने फास्ट आज फर्स्ट वाला नहीं रखा है, तो लास्ट वाले 2 एक साथ रख लूँगी। तो मैं वैसे ही फर्स्ट एंड लास्ट ही रखती हूँ। और मेरे पतिदेव जी ने लाइट जला दिया है, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करते समय हमेशा लाइट ऑन करना भूल जाती हूँ। ये मेरी बहुत गंदी वाली दिक्कत है, और आप लोग कहते क्लियरिटी नहीं आती, बल्कि मैं कैमरे से शूट कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि फ़ोन से शूट करती हूँ। बट लाइट जलाने की जो झंझट है ना, मैं मतलब भूल ही जाती हूँ। और ये भी रेडी हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए। हम लोग का जय माता दी गाइस, जय माता दी। और पॉजिटिविटी हो हर जगह, नवरात्रे नवरात्रे। और इसी नवरात्रों के बीच में मेरी बहन की सगाई भी है, तो आप लोग उसको गुड विशेस देना। और बहुत लोग कह रहे हैं ब्लॉग डालो, ब्लॉग नहीं डाला। अभी सगाई हुई कहाँ जो ब्लॉग डालूँ, मैं 2-3 कमेंट में हंसी आ रही है। आपको लग रहा है मैंने ब्लॉग डाला नहीं, ऐसा हो सकता है मैं डालूँ? लेट आएगा बट आएगा जरूर, ब्लॉग डेफिनेटली आएगा। मेरी लाइफ में जो भी होता है मैं आप सबको दिखाती हूँ, तो ब्लॉग भी आएगा उसका भी। अभी सगाई हो तो सही, अभी थोड़ी है सगाई, सगाई जब होगी तब ब्लॉग भी आ जाएगा। तो 1-2 दिन पहले मैं भी चली जाऊंगी घर पे, तो हो सकता है कल जाऊं या फिर हो सकता है आज जाऊं। हमने ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, ये ऑफिस जा रहे हैं। अब मुझे करनी है पैकिंग करनी है मुझे घर पे जो भी सामान लेकर के जाना है। अब ये आएंगे तो ये इनको इतना आइडिया नहीं है कहाँ पे क्या रखा हुआ है, बस मैं पैक कर दूंगी तो ये बस गाड़ी में रख के ले आएंगे। और आज मैं निकल जाऊंगी घर पे, लंच वगैरह देना हर चीज़ें हैं, तो सब कुछ निपटाने के बाद शादीशुदा ने आना तो ज़्यादा सही रहता है। शादीशुदा के बाद तो इधर का भी देखो उधर का भी देखो। मैं भी इसी बात से एग्री करता हूँ कि आदमी शादीशुदा ना हो, बड़ा बन जाता चीजों में यार। कमेंट करने आए थे बस थोड़ी देर के लिए वीरेंद्र सहवाग बन के। तो बाबूजी को इतने दिन से कह रही हूँ अपनी पैंट ले आओ, पैंट ले, पैंट लेकर के नहीं आए, बस ब्लेजर ले लिया, शर्ट ले लिया, पैंट ली नहीं है अब तक, पैंट लेकर के नहीं आए। तो कैप्री भी पहन लूंगा, कैप्री पे आजकल बड़ा, कैप्री क्यों पहन रहे हो, चड्डी पहन के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी पहन लूंगा। तो आज पहनी है मैंने हरी हरी चूड़ियाँ, क्योंकि आज नवरात्रि है। लाल भी पहन सकते, पर लाल वाली थी नहीं मेरे पास, तो मैंने ग्रीन पहन ली है। तो चलिए मैं बात सारी पैकिंग वगैरह कर लूँ, जो भी मुझे ले करके जाना है वो सारा पैक कर लूँ। तो इस ब्लॉग का ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी 2 दिनों का हो गया, लंबा हो जाएगा। तो अभी जब मैं निकलूँगी घर के लिए तब मैं दूसरा ब्लॉग शूट करूँगी। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।